नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन दिन प्रतिदिन उग्र होता जा रहा है। कभी किसान आंदोलन की आड़ में दिल्ली में भयानक दंगे भड़काए जा रहे हैं, तो कभी राकेश टिकैत जैसे किसान नेता देश के दूसरे किसानों को बीजेपी का बहिष्कार करने जैसे अपील करते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप जब बीजेपी के कार्यकर्ता किसानों को कानून के फायदे समझाने के लिए जाते हैं तो उन पर मारपीट कर हमला किया जाता है। एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में देखा गया, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए और इसका आरोप भी उन्होंने बीजेपी पर मढ़ दिया कि उन्होंने ही इस लड़ाई की शुरुआत की थी, जिसमें बाद में पता चला कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला करने वाले कोई किसान नहीं बल्कि किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता और नेता थे। वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में किसानों को सरकार के खिलाफ बरगलाने वाले किसान नेता राकेश टिकैत के नाम पर कई सारे मुकदमे दर्ज हैं और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि अब जो टिकैत आंदोलन जारी रखे हुए हैं इसके पीछे भी यही वजह है कि वो अपने आप को पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने से बचाना चाहते हैं, इसलिए वो आंदोलन का षड्यंत्र रच रहे हैं। वहीं अब खबर आ रही है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत 8 मार्च को मध्य प्रदेश आएंगे केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदेश के किसानों का समर्थन हासिल करने के लिए। टिकैत यहाँ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आना उनके लिए आसान नजर नहीं आ रहा है। उसकी वजह है मध्य प्रदेश पुलिस ने टिकैत के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रखी है। कार्रवाई में टिकैत के खिलाफ 2016 में MP के एक अदालत में अरेस्ट वारंट जारी किया गया था, जिसके आधार पर अब अगर वो यहाँ आए तो उनकी गिरफ्तारी होनी तय है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का खास असर अब तक MP में देखने को नहीं मिला है। ऐसे में टिकैत शिवपुरा, रीवा और देवास में रैलियों को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश भारतीय किसान यूनियन के महासचिव अनिल यादव ने बताया कि महिला दिवस के दिन टिकैत राज्य के किसानों को मिलेंगे और इस दौरान वो उन्हें नए कानून से होने वाले नुकसान के बारे में बताएंगे और सरकार के खिलाफ उनका समर्थन करने के लिए उनसे अपील करेंगे। अब इसमें खास बात तो यह है कि टिकैत के खिलाफ MP में एक मामला पहले से ही लंबित चल रहा है, जिसमें 2012 में अनूपपुरा जिले में उनके खिलाफ हत्या की कोशिश और अव्यवस्था फैलाने के मामले में अरेस्ट वारंट जारी किया जा चुका था। अनूपपुरा के जैतपुरा इलाके में पावर प्लांट के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व करने 2012 में टिकैत यहां पर आए थे। प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में आग लगा दी थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। पुलिस ने इस मामले में टिकैत सहित 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ अव्यवस्था फैलाना, हथियार के साथ अवैध रूप से प्रदर्शन करने और हिंसा फैलाने तथा हत्या की कोशिश करने का मामला दर्ज किया था। हालांकि टिकैत को 2012 में ही इस मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन इसके बाद वो अदालत के सामने कभी पेश ही नहीं हुए। कई सुनवाइयों में वो अनुपस्थित रहे और बाद में 2016 में इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट अदालत ने जारी किया था। अनूपपुरा के SP मांगलीलाल सोलंकी ने बताया कि पुलिस टिकैत के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करेगी, ऐसे में टिकैत MP अगर आते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। खैर, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि MP में आने के बाद उनकी गिरफ्तारी हो पाती है या फिर गिरफ्तारी के डर से कहीं वो अपना दौरे का प्लान ही चेंज ना कर लें। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।